बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, कश्मीर एक्सप्रेस डिजिटल से आपको खुशामदीद कहते हैं। आज़ाद कश्मीर में आटे और बिजली बिलात के ख़िलाफ़ आवाम सड़कों पर हैं। हुकूमत आवाम से मुज़ाकरात करने के बजाय ताकत के ज़ोर पर इनको कुचल रही है, जिसके रद्द अमल में आज मुजफ्फराबाद और पूंछ डिवीजन में बड़े पैमाने पर आवाम ने एहतजाज किया। इसका क्या नतीजा निकलेगा, इसके पीछे कसूरवार कौन है, ये देखने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने सेनेट की कायमा कमेटी में भी ये बात वाज़ेह तौर पर पाकिस्तानी हुकूमत और अदारों के सामने रखी थी कि आज़ाद कश्मीर में जो अवाम मसाइल में पीछे जा रहे हैं, इनका हल निकाला जाए और अवाम को रिलीफ दिया जाए। उन्होंने ये भी कहा था कि आज़ाद कश्मीर के अवाम की ये आखिरी जनरेशन है जो पाकिस्तान की मोहब्बत में दफन होगी। अगर आपने मसाइल हल नहीं किए तो ये मसाइल ज़मीन भी हो सकते हैं। गुज़श्ता दिनों वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने सेंट्रल बार मुजफ्फराबाद की एक तकरीब से खिताब करते हुए ये कहा था कि जब तक वज़ीर आज़म, सदर, वज़रा, ब्यूरोक्रेसी, अशराफिया बिल नहीं देंगे तो मैं आज़ाद कश्मीर के आवाम को किसी सूरत भी पाबंद नहीं बना सकता कि वो बिल जमा करवाएं, ना ही मैं इनके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई करूँगा और ताकत इस्तेमाल करूँगा। गुज़श्ता दिनों ही वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर पूंछ के दौरे पर गए। एक्शन कमेटी के जो रहनुमा हैं उन्होंने मुज़ाकरात करने से इनकार कर दिया। वो दो दिन पूंछ का दौरा मुकम्मल करने के बाद जब वापस इस्लामाबाद आए, इस्लामाबाद से मुजफ्फराबाद के लिए रवाना हुए तो उन्होंने ये फैसला किया है कि इस जो कमेटियाँ हैं जो मुज़ाकरात भी नहीं कर रही हैं, इनके ख़िलाफ़ ताकत का इस्तेमाल किया जाए। गुज़श्ता रोज़ इन्होंने बड़े पैमाने पर जो आज़ाद कश्मीर की जो ब्यूरोक्रेसी है इनमें भी तबादले किए, जिसमें अब्बासपुर, हजीरा, रावलाकोट, दीगर शहरों में जहाँ जहाँ एहतजाज हो रहे थे इन्होंने बड़े पैमाने पर तबादले भी किए और रात को आर्डर वापस भी होता रहा और करते भी रहे। ये पूरी रात एक खेल चलता रहा। उसके बाद कल 12 रबी अव्वल का दिन था और पूरा दिन जो आज़ाद कश्मीर की पुलिस थी वो मसरूफ़ रही, लेकिन शाम को उन्होंने आज़ाद कश्मीर में जो एहतजाज के हवाले से जो लगाए गए कैंप थे उनको उखाड़ फेंका और जो एक्शन कमेटी के मुतद रहनुमा थे जिनके खिलाफ मुकदमा इन्होंने दर्ज कुछ कल किए, कुछ परसों किए, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। इस रद्द अमल में आज आज़ाद कश्मीर भर में आप मुजफ्फराबाद डिवीजन ले लें या पूंछ डिवीजन ले लें, मुजफ्फराबाद में, बाग में, रावलाकोट, हजीरा, अब्बासपुर, हर जगह लोग अपने हकूक़ की बाजियाबी के लिए और अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए सड़कों पर निकल आए। ये नौबत क्यों पेश आई? हुकूमत इनसे मुज़ाकरात क्यों नहीं कर रही? क्या वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ताकत के बल बोते पर इस पूरे निज़ाम को, इस पूरी सिविल सोसाइटी को बिलडोज करना चाह रहे हैं? क्या वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने जो 29 वज़ीर बनाए जिनको अभी तक महकमे ने दिए हैं वो वज़ीर आज़म के साथ हैं या नहीं हैं? आज़ाद कश्मीर भर के और बिलखसूस पूंछ डिवीजन के बलदियाती नुमाइंदों ने भी जो आवाम के ख़िलाफ़ फोर्सेस इस्तेमाल हुई, जो आंसू गैस इस्तेमाल की गई, जो गिरफ्तारियां की गई, इसके ख़िलाफ़ उन्होंने भी एका कर लिया और उन्होंने ये वाज़ेह पैगाम दिया कि अगर आप आवाम के साथ, हमारे नुमाइंदों के साथ, हमारे वोटर्स के साथ, हमारे सपोर्टर के साथ अगर आप कोई कार्रवाई करेंगे, इनके ख़िलाफ़ तशद्दुद करेंगे, इनको गिरफ़्तार करेंगे तो फिर आवाम सड़कों पर होगी। इसका देखना यह है कि इसका फ़ायदा किसको हो रहा है? वज़ीर आज़म इतने आखिरी जो रेड लाइन ये क्रॉस कर चुके हैं, ये क्यों कर चुके हैं, इसकी वजह क्या है? ये मामलात मुज़ाकरात के ज़रिए भी हल हो सकते थे और मुज़ाकरात भी होने चाहिए। अगर मुज़ाकरात होते हैं तो आवाम और हुकूमत के दरमियान जो एक तफरीक पैदा की जा रही है, जो एक गैप पैदा हो गया है, उस गैप को दूर किया जा सकता है, लेकिन उसे तशद्दुद के ज़ोर पर नहीं, जबर के ज़ोर पर नहीं, गिरफ्तारियों के ज़ोर पर नहीं और लोगों को घरों में महसूर करके इस ज़ोर पर कभी नहीं किया जा सकता। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो आवाम और हुकूमत के दरमियान फासले इतने बढ़ जाएंगे कि आवाम और रियासत आमने सामने होगी और ये ख़दशा भी हो सकता है कि अगर इसी किस्म की सूरत हाल हुई तो कल खून खराबा भी हो सकता है और उस खून खराबे का जिम्मेदार कौन होगा? ये एक सवाल है कि जो आम आदमी के दिमाग में घूम रहा है, जो आम आदमी ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर यही सूरत हाल की जा रही है तो इसकी वजह क्या है, इसके पीछे कौन है, इस पर्दे के पीछे कौन है जो ये सारा काम करवा रहे हैं? आवाम के दिलों में मज़ीद नफ़रत बढ़ेगी, जब नफ़रत बढ़ेगी तो ये मामला ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। हुकूमत
वो भी सोचना चाहिए, और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक को भी ये सोचना चाहिए कि आप अकेले इस पूरे निज़ाम को ठीक नहीं कर सकते। जब तक आप अपनी टीम नहीं बनाएंगे, अपने काम को तकसीम नहीं करेंगे, आवाम के जो दुखों का जो मुदावा करने वाले जो मेंबरान असम्बली हैं ये आपके साथ नहीं है, बलदियाती नुमाइंदे आपके साथ नहीं है, सिविल सोसाइटी आपके साथ नहीं है, ब्यूरोक्रेसी उस तरीके से जो अपने मुफादात हासिल करने के लिए तो आपके साथ है, वैसे आपके साथ नहीं है। अगर आवाम के दिलों में मज़ीद नफ़रत पैदा की जा रही है, और ये नफ़रत कल कहीं तशद्दुद में, कहीं खून खराबे में ना तब्दील हो जाए, इस पर भी हुकूमत को सोचना होगा, गौर करना होगा, और फौरी तौर पर इस मामले को मुज़ाकरात की जानब जाना होगा। अगर मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे तो ये हालात कल मज़ीद ख़राब होंगे, जिसके ज़िम्मेदार कौन होगा, इनके ज़िम्मेदारी किसके कंधों पर डाली जाएगी, ये भी आवाम एक सवाल पूछ रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद होंगे मुजफ्फराबाद से सीनियर साफ़ी अब्दुल हकीम कश्मीरी, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो कुछ हो रहा है इस वाले से इनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल हकीम कश्मीरी साहब, ये बताइए कि जो एक्शन कमेटी के जो लोग थे उनके ख़िलाफ़ जो हुकूमत ने मुकदमा दर्ज किए हैं, और रात से क्रैक डाउन शुरू किया, उनके कैंप पकड़ दिए गए, और बड़े पैमाने पर मुजफ्फराबाद और पुंछ डिवीजन में और कोटली में ये एहतजाज का सिलसिला निकल पड़ा है, तो आप इस वाले से क्या कहते हैं? देखिए, इस वक्त आज़ाद कश्मीर में बेचैनी और खलफशार की पोजीशन है, और आप भिम्बर से लेकर नीलम तक जो पोजीशन है, बाज़ार बंद हैं, सड़कें बंद हैं, जगह जगह एहतजाज हो रहे हैं, 9-10 हज़ार पुलिस है वो लोगों के हजूम को कंट्रोल नहीं कर सकती, तो ये तो मुश्किलात हैं। और ये जो रद्दमल आया, पहले तो एहतजाजी कैंप थे, रावलाकोट में था, मुजफ्फराबाद में ताजरों ने कैंप लगाया, मीटिंग्स की, 30 रुकनी कमेटी तश्कील दी कि वो हुकूमत से बात करेंगे, लेकिन 2 अक्टूबर को वक्त था, तो बात करनी थी हुकूमती नुमाइंदों की और जो एक्शन कमेटी है उनके जिम्मेदारान की, लेकिन उससे पहले रबी अव्वल से तकरीबन 2 दिन कबल ये फैसला हुआ जी कि हम ताकत का इस्तेमाल करेंगे, और फिर आज ताकत का इस्तेमाल हुआ, तो आज़ाद कश्मीर भर में थानों का घेराव हो गया, बाज़ार बंद हो गए, सड़कें सनसान हो गई, और लोगों की एक बड़ी तादाद सरावलाकोट और हजीरा मुकम्मल बंद हो गया, लोग सड़कों पर निकल आए, मुजफ्फराबाद में आंसू गैस शेलिंग हुई और तशद्दुद हुआ, और बहुत से पुलिस वाले ज़ख्मी हुए, लोग ज़ख्मी हुए, रात भर लोगों के घर क्रैक डाउन होता रहा, छापे मारे जाते रहे। ये तो वो पोजीशन है जो नहीं होनी चाहिए थी। बहरहाल, अगर हुकूमत ताकत पर यकीन रखती है तो फिर अवामी रद्द अमल मेरे ख्याल में बड़ी ताकत होती है। अब हम ये समझते हैं कि इस कहानी के पीछे है क्या, ये सबसे ख़तरनाक इशू है कि इस कहानी के पीछे कोई इतनी बड़ी जो आम हालात में होते हैं उसमें कोई इतना बड़ा मामला नहीं था कि इस कहानी के पीछे क्या है, लेकिन एक तबका जब अय्याशी कर रहा हो और जब वो मुकम्मल मुराद ले रहा हो और वो इंसान को इंसान न समझे, सियासी जमातें एहतसाब से वालादार हों और फिर नस्ल दर नस्ल वही असम्बली मेम्बर बने और अपने मफदात की सारी सियासत कर रहे हों, और लोगों की सेहत की सहूलियात, बिजली की सहूलियात, आटे की ज़रूरत जो उनकी होती है, अशिया खुरनोश की, ये सारी चीज़ें पूरी ना हो रही हों, तो वो एक लावा पक रहा था जो अब एक आतिशां की शक्ल इख्तियार कर चुका है। अनवार ने गरचे कुछ संजीदा मुज़ाकरात अनवार हुकूमत की तरफ से नहीं हुए, अलबत्त कश्मीर हाउस में 1-2 मीटिंग्स हुई, रावलाकोट में वो गए, वहाँ अवामी नुमाइंदे, ये जो एहतजाज पे लोग बैठे थे अवामी एक्शन कमेटी के जिम्मेदारान, उन्होंने ये मुबैन इतला है कि उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया, और वो कुछ लोगों को ढूंढते रहे। बहरहाल, ये सारा इस पूरे अरसे में ये सारा कुछ होता रहा। अब इशू ये था कि एक तो गंदम की कीमतों में जब इजाफा हुआ, तो उस वक्त अनवार उसी महीने अप्रैल में ही इकतदार में आए थे, तो उन्होंने वो इजाफा वापस ले लिया, बिजली की कीमतों में इजाफा किया, वो इजाफा भी वापस ले लिया, लेकिन तीर कमान से निकल चुका था। अब मुतालबात ये थे कि हमें मुफ्त बिजली दी जाए, हमें गलगित के बराबर जो गंदम की सब्सिडी है वो दी जाए, गलगित का अलग मामला है, आज़ाद जम्मू कश्मीर का अलग मामला है, वो हुकूमत के लिए काफ़ी मुश्किल था। और एक ये भी थी जिसका हुकूमत की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया कि आपकी टॉप की ब्यूरोक्रेसी, हालांकि मेरे ख्याल में ब्यूरोक्रेसी को बिजली शायद मुफ्त नहीं मिलती, बहरहाल आपकी ब्यूरोक्रेसी, जजेस जो आपके वज़रा हैं, इन सबको बिजली मुफ्त मिलती है, तो फिर आम आदमी को कहीं नहीं, दो तबके एक सोसाइटी के अंदर नहीं हो सकते, ये भी एक बहुत आम इशू था। दूसरा, सहूलियात का फुकदान था, बेरोज़गारी है, तो ये एक लावा पकता रहा जो अब एक ऐसी शक्ल इख्तियार कर चुका है और जिस पे अब ताकत का इस्तेमाल करके उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है।
तो मैं ये समझता हूँ कि जो मौजूदा हुकूमत का एक हकमाना रवैया है, जो शायद जमहूरियत पे यकीन नहीं रखते और जो ताकत के इस्तेमाल पे यकीन रखते हैं, उससे ये तहरीक मज़ीद शिद्दत इख्तियार करेगी। और अगर इसमें कहीं खून शामिल हो गया तो शायद हुकूमत के लिए संभालना मुश्किल हो, और फिर इन्हें कुछ और पावर्स को लाया जाएगा ताकि वो मुदाखलत करें और ताकत के जरिए इसको कुचल दिया जाए। ऐसे हालात ना आज़ाद कश्मीर के लिए बेहतर हैं, ना पाकिस्तान के लिए, और ना इस खत्ते की जो हसासियत है उस मामले में भी मुनासब नहीं होगा। अब भी हुकूमत एक संजीदा मुज़ाकरात करे, एक टीम तश्कील दे और लोगों से बात करे, उनसे बात की जा सकती है, उन्हें हकायक बताए जा सकते हैं, तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। लेकिन उसके लिए हुकूमत को ख़ुद अपने मामला में सादगी लाना होगी। गर्चे नवार ने इनफरादी तौर पर अपने अखराज में कमी लाई, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अकाउंटेबिलिटी के इश्यूज़ हैं, वो उसी तरह भी हैं। फाइलें रुकी हुई हैं, पेट्रोल ख़त्म है, बहुत सी चीज़ें इसी तरह अस्पतालों में अद्वियात ख़त्म हैं, तो उनको संजीदा नहीं लिया जा रहा और कसीदे पढ़े जा रहे हैं। अनवार उल्हक अपनी कारकर्दगी खुद बता रहे हैं, अवाम में रद्द अमल और है। वुजरा को पोर्टफोलियोज नहीं मिले, वो हुकूमती टीम का उस तरह हिस्सा नहीं है, तो हुकूमती सफ़ों में भी एक यकसानियत या इतिहाद न होने की वजह से जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा बिखर रही हैं और हुकूमत के कंट्रोल से बाहर हो रही हैं। हकीम साहब, ये भी बताइएगा कि जो आखिर इस सारे मसले का हल क्या, आप क्या समझते हैं कि हुकूमत संजीदा है इनसे मुज़ाकरात करने के लिए या नहीं, इस मसले का हल कैसे निकलेगा? देखिए, मसले का अगर हल देखें तो हल यही है कि हुकूमत लोगों के लिए आसानियां करे। जो बिजली के बिल हैं, चूँकि यहाँ 400 मेगावाट बिजली की ज़रूरत होती है, हम 13 अरब यूनिट बिजली पैदा करते हैं, 2 अरब यूनिट हमारी ज़रूरत है सालाना, तो उसमें लोगों को रिलैक्स किया जाए, उन्हें बिजली बिल्कुल जो पैदावारी लागत है उस पर फराहम की जाए। रहा मसला आटे की सब्सिडी का, तो उसमें कम अज़ कम टारगेट सब्सिडी दी जाए। हुकूमत का 6-7 अरब रुपया ज़्यादा खर्च होता है और जो उससे जो करप्शन होती है वो करप्शन के रास्ते सारे बंद हो जाएंगे। तो जब तक आप रियायत नहीं देंगे, मेरे ख्याल में तहरीक नहीं ख़त्म होगी और ना ख़त्म हो सकती है। हाँ, बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ अब्दुल हकीम कश्मीरी साहब, आज जिन्होंने तफसील के साथ आज की सारी सियासी सूरत हाल पर अपना तजिया दिया। हुकूमत इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है, हुकूमत को ये बहरहाल मुज़ाकरात की तरफ जाना होगा, अवाम के जो बुनियादी हकूक हैं उनको देखना होगा, वो पूरे करने होंगे, क्योंकि अगर रोटी मांगना, अपने मसाइल का हल मांगना, अगर रोज़गार मांगना, अगर बिजली के बिलाद में कमी मांगना, अगर आटा मांगना, ये जुर्म है, तो ये जुर्म रियासत का हर शहरी करने के लिए तैयार है, वो करेगा। जब ये ऐसी सूरत हाल पैदा होगी तो रियासत जो 4571 मरबा मील पर मुश्तमिल है, इसके हालात मज़ीद संगीन हो जाएंगे, क्योंकि आज़ाद कश्मीर में जो तहरीक इसको चल रही है, इसको इंडियन मीडिया बड़ा नेगेटिव और मनफी प्रोपोगंडा कर रहा है, इसको रियासत के साथ जोड़ रहा है। लेकिन ये बात हम क्लियर करते हुए चलें कि आज़ाद कश्मीर के अवाम ना तो रियासत के ख़िलाफ़ हैं, ना पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं, और ना ही पाकिस्तान के अदारों के ख़िलाफ़ हैं, ये अपने हुक्मरानों के ख़िलाफ़ हैं, जो अपनी नहेली की वजह से अवाम के मसाइल हल नहीं हो रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब को भी ये देखना होगा कि जो जिन लोगों को इन्होंने वज़ीर बनाया, क्या उस तहरीक के पीछे वो हैं या कोई और हैं, इनके अपने हैं, इनके अपने मशीर हैं जो इनको गलत मशवरा दे रहे हैं कि वो अवाम के साथ टक्कर लें। लेकिन हमारी वज़ीर आज़म से ये अपील होगी कि वो अपने नहल मशीरों के मशरे सुनने के बजाय मुज़ाकरात की जानब आएँ, संजीदा लोगों की एक कमेटी बनाई जाए जो इन लोगों से मुज़ाकरात करे और इस मसले का हल निकाला जाए। अगर इस मसले का हल ना निकल सका तो खून खराबे वाली साइड पर यह सूरत हाल गई, तो इकदार में ना तो हमेशा इससे पहले कोई वज़ीर आज़म की कुर्सी पर रहा, ना इसके बाद रहेगा। आप इकदार में आए, कल आपने छोड़ के भी जाना है, लेकिन अवाम के ऊपर जबर करके, तशद्दद करके, इनको भूखा रख के अगर आप जाएंगे तो ये लोग और ये तारीख आपको कभी माफ़ नहीं करेगी। कश्मीर एक्सप्रेस डिजिटल से ज़ाहिद तबस्सुम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।